हेलो गाइस, मैं अंकिया। सो आज के वीडियो में हम FRC रोड्रिजियस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग विच इज लोकेटेड इन बांद्रा, इस कॉलेज का हम रिव्यू देखेंगे। सो इस कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है, कॉलेज का कट ऑफ कैसा है, कॉलेज में सीट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कॉलेज का फीस क्या है, कॉलेज में कौन कौन से रिक्रूटर्स आते हैं फॉर रिक्रूटिंग, ये सारे इन्फॉर्मेशन जो है आपको इस वीडियो में देखने मिलेगा। सो यस गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले गाइस हम कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं इस कॉलेज के बारे में। सो दिस कॉलेज इज लोकेटेड इन बांद्रा एंड दिस वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1984, राइट। तो जितना आपका पुराना कॉलेज है उतना उसका रेप्यूटेशन अच्छा होता है। सो अगेन एक वेल रेप्यूटेटेड कॉलेज है गाइस एंड इट इज लोकेटेड इन बांद्रा मुंबई, जैसा कि मैंने आपको कहा। प्राइवेट कॉलेज है गाइस, नॉन ऑटोनॉमस कॉलेज है, तो इसका मतलब ये है कि जो भी आपका एग्जाम सिलेबस होगा, एग्जाम पैटर्न होगा, वो कॉलेज खुद नहीं, वो कॉलेज का होम यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगा। और इस कॉलेज का होम यूनिवर्सिटी है मुंबई यूनिवर्सिटी, सो दिस कॉलेज इज अफिलिएटेड विद मुंबई यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट अगर हम देखें, अनएडेड कॉलेज है, तो इसका मतलब ये है कि जो भी आपको कॉलेज चलाने के लिए फंड्स लगते हैं वो ये कॉलेज खुद से करता है। कोई भी फंड्स के लिए ये कॉलेज गवर्नमेंट से हेल्प नहीं लेता है, गवर्नमेंट से फाइनेंशियल एड नहीं लेता है, इसके लिए अनएडेड कॉलेज है। एंड अगेन एक पॉइंट है जो कि ये, जैसा कि प्राइवेट कॉलेज है अनएडेड है एंड गवर्नमेंट कॉलेज जो होते हैं वो आपके एडेड कॉलेज होते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें, रिलीजियस माइनॉरिटी है यहाँ पर फॉर क्रिश्चियन स्टूडेंट, तो इसका मतलब ये है कि 51% ऑफ द सीट्स जो होंगे वो क्रिश्चियन स्टूडेंट्स लोगों के लिए अलॉकेटेड होंगे, राइट। नेक्स्ट हम देखें, प्रोवाइड्स बीई डिग्री विच इज बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री, तो ये इसके लिए यहाँ पर मेंशन किया है क्योंकि काफी बच्चों को ऐसा होता है कि यार बीटेक करना है, बीटेक करना है, बट जब एडमिशन लेते हैं तो देखते हैं बीई डिग्री है, तो ऐसा डरने की जरूरत नहीं है। बीई डिग्री होता है आपका बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग, बीटेक होता है आपका बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी, बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर मैं स्ट्रेट टू द पॉइंट करूँ तो बस नाम का फर्क हो जाता है, पढ़ाई ऑलमोस्ट सेम होता है। तो अगर कोई बीटेक कर रहा है और एक बंदा बीई कर रहा है, तो अगर आप एट द एंड ऑफ द फोर्थ ईयर, लाइक फोर ईयर के बाद उससे आप बात करोगे जब, तो आपको कुछ लगेगा नहीं कोई डिफरेंस है बीटेक या बीई में, राइट। तो यस, बी डिग्री प्रोवाइड कर रहा है, कोई मेजर डिफरेंस है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। AICTE अप्रूव्ड कॉलेज है, विच इज AICTE अप्रूव्ड है आपके जो भी कोर्सेज एंड डिग्री, विच इज बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग। नेक्स्ट अगर हम देखें, कोर्सेज कौन कौन से प्रोवाइड कर रहा है कॉलेज, सो कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस। तो टोटल आपके 4 कोर्सेज ही आपको देखने मिल रहे हैं। जो भी हमने कोर्सेज देखे उसके क्या कट ऑफ थे लास्ट 2 ईयर्स के, वो अब हम देख लेते हैं। तो रेड कलर में जो आपको कट ऑफ देखने मिलेगा वो 2021 का होगा, पर्पल में आपको देखने मिलेगा 2022 का कट ऑफ। सो कंप्यूटर इंजीनियरिंग का अगर हम देखें गाइस, तो 96.5 था इन 2021 और 96.7 हो गया, 0.2 का यहाँ पर इंक्रीज देखने मिला है हमें, विच इज अ गुड थिंग, बिकॉज 96.5 से आप 99, 98, 97 का जंप आपको देखने नहीं मिलता इतना। 0.2, 0.3 बढ़ बढ़ के ऐसे बढ़ते रहेगा, जितना आपके बच्चे आएंगे लाइक कंपटीशन बढ़ेगा उस हिसाब से आपका जो ये कट ऑफ है वो बढ़ते जाएगा। मैकेनिकल का अगर हम देखें, 91.9 था, इट बिकेम 57.9, तो मेजर ड्रॉप है, आपको देख सकते हैं यहाँ पर मेजर ड्रॉप हमें देखने मिल रहा है। तो अगेन मैकेनिकल इस कॉलेज का आप अवॉइड कर सकते हो, आप ऐसे जगह पे जा सकते हो जहाँ का कट ऑफ और थोड़ा कम है या फीस इस कॉलेज से कम हो, क्योंकि आप यहाँ पर देख ही सकते हो कि इतना मेजर ड्रॉप है। तो इसका मतलब होता क्या है वो हम समझते पहले, कि 2 साल का कट ऑफ मैं आपको क्यों दे रहा हूँ। तो अगर आपका प्रीवियस ईयर से कट ऑफ जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो इसका स्ट्रेट अप पॉइंट ये होता है कि कंपटीशन उस ब्रांच के लिए कम हुआ है, प्लेसमेंट भी इतना अच्छा नहीं गया उस पर्टिकुलर ब्रांच में। सो इसके लिए 2 साल का कट ऑफ, पिछले 2 साल का कट ऑफ देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस का अगर हम देखें, सो 2021 में 92.7 था, इट बिकेम 92.3, राइट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस का आपका 95.1 था, इट बिकेम 96, एंड यस ये थे कट ऑफ। मैकेनिकली एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आप इस कॉलेज में अवॉइड कर सकते हो, बाकी सारे कोर्सेज जो है आपके काफी अच्छे हैं। सीट डिस्ट्रीब्यूशन हम देखते हैं, सो
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस में आपके टोटल 66 गैप सीट्स है, 48 माइनॉरिटी है, 31 इंस्टीट्यूट सीट्स है आपके 12। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि माइनॉरिटी सीट्स है यहाँ पर, माइनॉरिटी है यहाँ पर फॉर क्रिश्चियन स्टूडेंट, तो 51% ऑफ द सीट जो होंगे वो उनके लिए अलॉटेड होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 60 का 51% इज 31 सीट्स, तो यहाँ पर अलॉटेड है फॉर माइनॉरिटी। कैप सीट्स है आपके 48, बचे हुए आपके जो सीट्स हैं वो है 12 विच इज इंस्टीट्यूट सीट्स। अब इंस्टीट्यूट सीट्स क्या होता है कि इंस्टीट्यूट सीट्स का मतलब ये होता है कि जो भी आपको आप देखते हो किसी का सुने हो गया कि मैंने मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन लिया, मतलब मैंने डोनेशन भर के एडमिशन लिया, तो वो यही होता है इंस्टीट्यूट सीट्स, यही सीट्स होते हैं विच इज इन दिस केस 12 सीट्स। नेक्स्ट अगर हम देखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस में टोटल 60 सीट्स, कैप सीट्स हैं यहाँ पर 48 एंड इंस्टीट्यूट सीट्स आर 12 एंड कंप्यूटर साइंस में आपके टोटल 120 सीट्स एंड मैकेनिकल में आपके 60 सीट्स। तो ये थे सीट डिस्ट्रीब्यूशन। फीस अगर हम देखें इस कॉलेज का, सो इस साल के जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं मतलब 2022 और 2023 बैच फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट, उनका फीस 1,67,000 था फॉर दिस ईयर एंड सो एज पर दिस 4-ईयर डिग्री प्रोग्राम जो है वो हो जाएगा 6.6 लाख रुपीज। एंड यहाँ पर अगर हम देखें डिटेल्ड वाइज, अगर आपको देखना कैटेगरी वाइज, तो फर्स्ट ईयर अगर हम देखें तो 1,67,000 है, सेकेंड ईयर में 1.64, फिर 1.64, 1.65। सो कैटेगरी वाइज अगर हम फीस देखें यहाँ पर, सो ओपन कैटेगरी का फीस फॉर फर्स्ट ईयर है 1,67,000 जैसा कि मैंने आपको बोला। स्केड्यूल कास्ट एंड ट्राइब इनका फीस है 5,000 रुपीज, और VJNT SBC TFWS उनका फीस है 24,000 एंड OBC अदर बैकवर्ड क्लास उनका है फीस 95,000। सो यस, दिस इज द फीस गाइज। सो गाइज अगर हम प्लेसमेंट की बात करें इस कॉलेज की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्लेसमेंट स्टेटिस्टिक, तो ओवरऑल प्लेसमेंट यहाँ पर नंबर ऑफ ऑफर, हाईएस्ट सैलरी, एवरेज सैलरी एंड नंबर ऑफ कंपनी, ये सारे आपके पैरामीटर्स है एंड दिस इज ईयर वाइज स्टेटिस्टिक, राइट। अगर हम इस ईयर का देखें 2020 और 2023 का, यहाँ पर जैसा कि लिखा है इन प्रोग्रेस, तो अभी तक जहाँ पर मैं जो टाइम पर वीडियो बना रहा हूँ तब तक आपका 31% जो है प्लेसमेंट हुआ है। 2021 और 2022 में 82 हुआ था और उसके प्रीवियस ईयर 91% हुआ है, तो अप्रॉक्सीमेटली आपका 80+ यहाँ पर एवरेज जा रहा है प्लेसमेंट, राइट। एंड यहाँ पर अगर हम देखें हाईएस्ट पैकेज जो अभी तक गया है 2022 और 2023 में, वो 18 LPA गया और उसके प्रीवियस ईयर गया था आपका 34.5 LPA। सो यस गाइस, प्लेसमेंट वाइज दिस कॉलेज इज क्वाइट गुड। एवरेज सैलरी अगर हम देखें 6.9 LPA जा रहा है। सो यस, प्लेसमेंट वाइज दिस कॉलेज इज वेरी वेरी गुड गाइस। एंड यस, नेक्स्ट अगर हम देखें रिक्रूटर्स की बात करते हैं हम कि कैसे रिक्रूटर्स आ रहे हैं इस कॉलेज में, तो दिस आर द रिक्रूटर्स गाइज, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो JP Morgan, Accenture, गोदरेज, NSE, गोल्डमैन सैक्स, IBM, HP, HSBC, Mahindra। सो यस, ये सारे हैं आपके रिक्रूटर्स। दिस आर सम मोर रिक्रूटर्स जो कि आप पॉज करके देख सकते हो। एंड यस, नेक्स्ट अगर हम देखें इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज की बात करते हैं इस कॉलेज की, तो कैंटीन आपको मिलेगा इस कॉलेज में, लाइब्रेरी फैसिलिटीज है यहाँ पर, जिम, वाईफाई कैंपस है आपका एंड ऑडिटोरियम। लैब फैसिलिटीज अगर हम देखें, सो जो भी आपको इम्पोर्टेंट लैब चाहिए होते हैं एक कॉलेज में, वो सारे आपको इस कॉलेज में देखने मिलेंगे, जैसे केमिस्ट्री लैब यहाँ पर, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, लैंग्वेज, फिजिक्स लैब, नेटवर्क सिक्योरिटी लैब, वेब टेक्नोलॉजी, DBMS, क्लाउड कंप्यूटिंग, मोबिलिटी, राइट। ये सारे आपके लैब आपको देखने मिलेंगे। ये है कॉलेज का फोटो गाइस, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, दिस इज द कॉलेज गेटवे पैसेज, दिस इज द क्लासरूम, कैंटीन। एंड यस, दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। कंक्लूजन की अगर हम बात करें, सो ये यही कॉलेज है FRC रॉड्रिजेस, जो कि वाशी में भी एक लोकेटेड है, जो कि नवी मुंबई में, और मुंबई में रॉड्रिजेस कॉलेज बांद्रा में लोकेटेड है। तो आपको अगर वो कॉलेज के साथ इसे कंपेयर करना है तो आप उस कॉलेज का भी वीडियो देख सकते हो, जो कि मैं आई बटन पर डाल दूंगा। सो यस, कंक्लूजन वाइज अगर हम बात करें गाइज, दिस कॉलेज इज वेरी गुड। फीस थोड़ा सा मुझे हाई साइड पर लगा यहाँ पर, 1.6 लाख पर ईयर, बट एनीवेज प्लेसमेंट अच्छे जा रहे हैं, तो फीस भरने में आपको इतना ज्यादा होगा नहीं, क्योंकि यही बांद्रा के आगे आप थोड़े थोड़े कांदीवली तक जाओगे तो एक कॉलेज है वहां पर जो कि आपसे फीस ले रहा है, बट आपको कुछ वहां से मिलेगा नहीं। सो यस, कंक्लूजन यही है गाइस कि काफी अच्छा कॉलेज है प्लेसमेंट वाइज एंड रिक्रूटर्स वाइज, एंड यस लाइक ऑल द पैरामीटर वाइज अच्छे, फीस थोड़ा सा हाई साइड पर है, बट एनीवेज
दिस इज द कॉलेज व्यू. आई होप यू लाइक इट गाइज. मेक श्योर टू लाइक, क्योंकि ये सारे इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए थोड़ा एफर्ट जाता है. एंड सिंस आई एम इन माई थर्ड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज, थोड़ा टाइम निकालना भी काफी हार्ड हो जाता है. सो मेक श्योर टू लाइक, बिकॉज दिस इज द ओनली वे थ्रू विच यू कैन अप्रिशिएट माई वर्क. एंड डू सब्सक्राइब गाइज. टिल देन टेक केयर एंड मिलते हैं. नेक्स्ट शो में.